स्टूडेंट्स, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अपनी पहली वाली क्लास में पढ़ा था प्रजामंडल के बारे में कि प्रजामंडलों की स्थापना के संदर्भ में हमें पढ़ना था। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी, कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएँ स्थापित हो चुकी थी जिन्होंने लोगों में चेतना जागृत करने का कार्य किया, और लोगों में ब्रिटिश शासन और स्थानीय शासकों के प्रति जो असंतोष था उसको किस प्रकार एक दिशा प्रदान करी। तो इस तरह से हमने पहले की वस्तुस्थिति देखी थी। तो इस तरह से 1885 से 1935 तक की अवधि में राजस्थान में विभिन्न समाजसेवी संस्थाएं जैसे संप सभा, राजस्थान मध्य भारत सभा, वनवासी सेवा संघ, राजस्थान देशी राज्य लोक परिषद, राजस्थान सेवा संघ जैसी अनेक संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी जिन्होंने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत करने का कार्य किया। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से कुछ ऐसे मूलभूत कमियां थी इन संस्थाओं में कि ये उतनी प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाई थी। कुछ समय तक सक्रिय रहने के बाद अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और राजस्थान सेवा संघ जैसी संस्थाएं निष्क्रिय हो गई थी, और इन दोनों संस्थाओं ने अपने कार्यकाल के दौरान यह प्रयास किया कि देशी राज्यों का जो संघर्ष है उनको कांग्रेस का सहयोग प्राप्त हो। और दूसरी ओर कांग्रेस भी राजस्थान में एक ऐसी संस्था चाहती थी जो राजस्थान की सभी रियासतों में अपनी शासन शाखाएँ स्थापित कर सके और विभिन्न देशी रियासतों के माध्यम से जो प्रजामंडल आंदोलन संचालित होने वाले थे उनका संचालन कर सके। 1938 का जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें देशी राज्यों की जनता को संगठित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस का सहयोग राजस्थान की संस्थाओं को प्राप्त हो चुका था और कांग्रेस भी प्रजामंडल आंदोलन को संचालित करने के लिए तत्पर थी और सहयोग देने के लिए तैयार थी। इसके परिणाम स्वरूप और इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जयपुर प्रजामंडल ने अपनी कार्यविधि शुरू करी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले 1931 में ही हो चुकी थी, लेकिन कुछ समय बाद कुछ मूलभूत कमियों के कारण 1936 से 38 के बीच में इसका वापस से क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार और स्थानीय शासकों की प्रजामंडल आंदोलन के प्रति जो नीति थी वो उपेक्षापूर्ण रही, उन्होंने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई। जयपुर राज्य की यदि हम बात करें तो चिरंजी लाल अग्रवाल के नेतृत्व में यहाँ प्रजामंडल प्रगति दल नामक संस्था की स्थापना की गई थी। जितने भी प्रजामंडल राजस्थान में स्थापित हुए उनका उद्देश्य क्या था बच्चों? रियासती जो शासन था शासकों का कुशासन उसको समाप्त करना, उसमें जो बुराइयां आ गई थी, जो शासक अंग्रेज़ों के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी हो गए थे उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया था और अपनी प्रजा के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण अपनाने लगे थे, उनको दूर करना, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिलाने जैसे प्रयास करना था। इस तरह से जो देशी रियासतों में रचनात्मक गतिविधियाँ प्रारंभ हुई, राजनीतिक गतिविधियाँ प्रारंभ हुई, उनको प्रारंभ करने का श्रेय प्रजामंडल को ही जाता है। राजस्थान में राजनीतिक कार्य को हाथ में लेने का सबसे पहला प्रयास मारवाड़ प्रजामंडल का के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना 1934 में जोधपुर में की गई और इसके संस्थापक थे श्री भंवरलाल सर्राफ। 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी और गोपीलाल जी ने 1945 में भरतपुर प्रजामंडल और मीठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1944 में बूंदी में भी प्रजामंडल की स्थापना हुई। इस तरह से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। बीकानेर राज्य की हम बात करें तो वहाँ का शासक जो था गंगा सिंह वो अपनी विचारधारा से तो गतिशील था लेकिन प्रगतिशील था लेकिन उसने वहाँ की जनता को उतने अधिकार देने का कार्य नहीं किया और सही ढंग से विकास नहीं होने दिया अपनी रियासत में।
इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1936 से 42 के बीच में बीकानेर के युवाओं ने प्रयास किया कि वहाँ पर भी प्रजामंडल की स्थापना की जाए, लेकिन महाराजा गंगा सिंह ने अपने प्रयासों से ये पूर्ण नहीं होने दिया। इसके बाद विभिन्न गतिविधियाँ वहाँ पर चलती रही। उदयपुर में प्रजामंडल संगठन ने रचनात्मक गतिविधियाँ प्रारंभ करी। मोहनलाल सुखाड़िया इससे सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। इस तरह से जो प्रजामंडल की स्थापना की प्रक्रिया चली वो राजस्थान के जो अन्य क्षेत्र थे वहाँ भी चलती रही। कोटा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना पंडित नैनू राम शर्मा ने की, जिन्हें कोटा में राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। नैनू राम शर्मा ने 1934 में अपने दो साथियों के साथ मिलकर हाड़ौती प्रजामंडल की और 1938 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी। बूंदी में 1944 में हरिमन माथुर की अध्यक्षता में बूंदी लोक परिषद की स्थापना हुई। आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जिस तरह से डेट जो बता रही हूँ मैं आपको कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना केस कब हुई, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, बूंदी, कोटा, इन सब प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई, वर्ष याद रखना है आपको, इसका अध्यक्ष कौन था, किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई, ये चीज़ें आपको एक नंबर के क्वेश्चन के लिए और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको याद में रखनी है। इसके बाद जब विभिन्न क्षेत्रों में प्रजामंडल आंदोलन का के संचालन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो कई नेता इससे जुड़ते चले गए। वर्ष 1938 में शाहपुरा राज्य में प्रजामंडल की स्थापना हुई और गोकुल्ला लसावा की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय लोकप्रिय सरकार की स्थापना की गई। यह पहला ऐसा देशीय राज्य था जहां सर्वप्रथम जनतांत्रिक एवं पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। प्रजामंडल आंदोलन के साथ साथ जो नेता थे उन्होंने समाज के क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी। कांग्रेस ने अपना पूर्ण समर्थन प्रजामंडल को दिया और प्रजामंडल ने भी कांग्रेस की नीतियों को, कार्यक्रमों को रियासतों में लागू करने का भरपूर प्रयास किया। पंडित हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, गोकुल भाई भट्ट, माणिकलाल वर्मा, मथुरादास माथुर, गोकुललाल असावा, नाथुराम मिर्धा कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे, जमनालाल बजाज जैसे व्यक्ति जो राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन में जुड़ते रहे और 1939 से 1946 तक सक्रिय रूप से उन्होंने इन गतिविधियों में भाग लिया। प्रजामंडल आंदोलन की यदि सफलता की बात की जाए बच्चों तो ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में काफ़ी हद तक सफल रहे थे और इनकी सफलता के कारण ही देशी रियासतों के शासकों को उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी पड़ी थी और इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप धीरे धीरे राजस्थान की विभिन्न रियासतों को मिलाकर एक संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। अब हम शॉर्ट में देखते हैं कि किन किन प्रजामंडलों की स्थापना कब कब हुई, ये आगे के लिए बहुत मददगार हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाए की बात की जाए तो 1931 में श्री जमनालाल बजाज ने इसका संगठनकर्ता थे इसके और अध्यक्षता कपूरचंद पाटनी ने की। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको 1936 से 38 के बीच में इसके पुनर्गठन का कार्य हुआ, जिस समय जमनालाल बजाज इसके अध्यक्षता चिरंजीलाल मिश्र ने करी और गठन जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया। बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1937 में हुई। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई कांतिलाल जी के द्वारा, अन्य कई प्रमुख नेता भी इनसे जुड़े हुए थे। 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1934 में ही जयनारायण व्यास ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी। इसके अलावा 1936 में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना मच्छराम वैद्य के द्वारा की गई। प्रजामंडल के साथ साथ बीकानेर में बीकानेर राज्य परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं की स्थापना हुई। कोटा में 1939 में पंडित नेहरूराम शर्मा के नेतृत्व में प्रजामंडल की स्थापना की गई। मेवाड़ में माणिकलाल वर्मा ने 1938 में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत करी। अलवर में श्री पंडित हरिनारायण शर्मा थे इसके नेता।
भरतपुर में किशनलाल जोशी के द्वारा 1938 में प्रजामंडल की स्थापना हुई। शाहपुरा में रमेश चंद ओझा ने गठन किया और उसके अध्यक्ष भी रमेश चंद ओझा ही रहे। धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जी और करौली में त्रिलोकनाथ माथुर जी के द्वारा इनका गठन किया गया। जैसलमेर में शिवशंकर गोपा के नेतृत्व में जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास के द्वारा की गई। झालावाड़ में 1946 में मांगीलाल भव्य के द्वारा इसका गठन किया गया। डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या ने प्रजामंडल की स्थापना करी और वही उसके अध्यक्ष रहे। इस तरह से हम इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि कहाँ कहाँ पर किन किन वर्षों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे। अब हम लास्ट में ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं वो देखते हैं ताकि आपको आगे के लिए भी सहायता मिल सके। पहला क्वेश्चन है, राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? इसका आंसर है बच्चों जयपुर में। भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे, यह भी हमने पढ़ा था। चार आएगा इसमें, डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े हुए थे भोगीलाल पांड्या। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? जैसलमेर। जैसलमेर रियासत में इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर 1930 को। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भोगीलाल पांड्या इसके प्रथम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भोगीलाल पांड्या, ये ध्यान रखना, डूंगरपुर के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? भोगीलाल पांड्या का। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? अभी हमने पढ़ा था कि नैनूराम शर्मा कोटा प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई 1942 को। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? जोधपुर ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? 1934 में। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बीकानेर राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया? मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस का आयोजन किया गया। अब है इसमें आपकी कि आपको मिलान करना है कि किन किन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हमने पढ़ा था 1931 में, तो इसमें सेकंड में ए आएगा। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई और अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था। ये 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा 1938 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों को स्वतंत्रता आंदोलन का अपने अंग के रूप में अपनाया? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, अभी हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा था। राजपूताना के किस राजघराने प्रजामंडल आंदोलन को संरक्षण दे रखा था? बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन ने। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? मोहनलाल सुखड़िया जी के द्वारा।
डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा, पहले हम पढ़ चुके हैं इस बारे में, भोगीलाल पांड्या के द्वारा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में, कोटा में प्रजामंडल आंदोलन चलाने का श्रेय किसको प्राप्त है, पंडित नैनूराम शर्मा को। सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1931 में। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1938 में। और जैसलमेर के गुंडा राज नामक पुस्तक का लेखक कौन था, सागरमल गोपा। जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक का लेखक सागरमल गोपा। तो इस तरह से बच्चों आप लोग पढ़िए प्रजामंडल आनंद के बारे में, जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछिए, और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखते हुए इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिए, और जो प्रश्न दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।